नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कंटेंट में। और आज की स्टूडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप Realme 2.0 बेस्ड कस्टम वेंडर रोम्स इंस्टॉल कर सकते हैं। सो लेट्स गो। तो बेसिकली ये गाइड वीडियो है, तो जिन भी लोगों को एंड्रॉइड आर वेंडर रोम इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम्स आ रही है वो ये वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो आपको पूरा देखना है और सभी स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करना है, अदरवाइज आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इसके लिए आपको काफ़ी सारे नेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो नेट आपके पास इनफ होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास नेट इनफ नहीं था, इसी वजह से मुझे भी इतना टाइम लगा है। तो आपको Realme 2.0 की TWRP या ऑरेंज फॉक्स, जो भी आप कस्टम रिकवर यूज़ करना चाहिए, उसकी ज़रूरत पड़ेगी और बीबी मेटा फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। और आपको Realme 2.0 की ही रिकवरी चाहिए होगी, क्योंकि Realme 2.0 और 1.0 की रिकवरी डिफरेंट है और वीबी मेटा फाइल भी डिफरेंट ही है। तो बाय मिस्टेक आप 1.0 की फ्लैश ना करें, ये आपको खास ध्यान रखना है। और उसके बाद आप जो भी कस्टम रोम यूज़ करना चाहे उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और अगर जी एप्स उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो अगर आपने बूटलोडर को अनलॉक नहीं किया है तो उसको आपको अनलॉक करना पड़ेगा, और उस पर ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है। तो पहले जिस पर वीडियो अवेलेबल है वो चीज़ मैं यहाँ डिटेल में नहीं बताऊँगा आपको, वरना वीडियो यहाँ काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बेटर है कि जाके आप वो वीडियो भी देख लीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अब आपको Realme 2.0 यानी कि Android 11 पे अपडेट कर लेना है। और अगर कुछ और कंडीशंस की बात करें तो अगर आप अभी Realme 1.0 बेस्ड कस्टम रोम यूज़ कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो कस्टम रोम में से Realme 1.0 में वापस आना पड़ेगा। तो उस पर भी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो अगर आपको नहीं पता है तो जाके देख सकते हैं। उसके बाद आपको Realme 2.0 में अपडेट कर लेना है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि आप कोई भी OS यूज़ कर रहे हो, कलर OS यूज़ कर रहे हो, कस्टम यूज़ कर रहे हो, Realme 1.0 यूज़ कर रहे हो, आपको Realme 2.0 में अपग्रेड कर लेना है। तो मैं भी Realme 1.0 बेस्ड कस्टम रोम यूज़ कर रहा था, तो इसीलिए मेरा भी नेट और टाइम ज़्यादा कंज्यूम हुआ इसके लिए। तो आगे का स्टेप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर आपका सारा डेटा इरेज हो जाएगा, तो मेक श्योर कि आप बैकअप ले लें। इसके बाद आपको अपने मोबाइल को PC से कनेक्ट कर लेना है और USB डीबगिंग को यहाँ एनेबल कर लेना है। उसके बाद आपको कस्टम रिकवरी और वीबी मेटा फाइल को फ्लैश करना होगा, जिसके लिए आपको अपने मोबाइल को फास्ट बूट मोड में बूट कर लेना है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि मेरा मोबाइल फास्ट बूट मोड में ओपन हो चुका है। तो अब आपको सबसे पहले तो Realme 2.0 की कस्टम रिकवरी को फ्लैश करना है। तो मैं यहाँ TWRP फ्लैश कर रहा हूँ, और TWRP इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको वीबी मेटा फाइल को फ्लैश करना है। और अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि कैसे इंस्टॉल करते हैं तो उस पर ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो स्टेप सेम ही है, सिर्फ आपको फाइल ये वाली यूज़ करनी है। तो इसके बाद आपको अपने मोबाइल को रिकवरी मोड में ओपन कर लेना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मैंने TWRP इंस्टॉल की थी वो ओपन हो चुकी है। तो अब आपको जाना है वाइप में, एडवांस वाइप में, और यहाँ आपको डाल भी कैश, डेटा, इंटरनल स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज इसलिए कि वैसे भी इंटरनल स्टोरेज एनक्रिप्टेड है, तो वैसे कोई फ़ायदा है नहीं, इससे अच्छा कि आप वाइप कर ही लीजिए। और लास्ट में यहाँ सिस्टम और वेंडर को भी सिलेक्ट कर लेना है और स्वाइप टू वाइप करना है। और यहाँ हमने SD कार्ड और OTG वाइप नहीं किया है, क्योंकि हमें रोम इंस्टॉल करने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको SD कार्ड के अंदर ही रोम और GApps को रखना है। तो यहाँ वाइप कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आपको बैक जाना है, और होम स्क्रीन में आने के बाद आपको इंस्टॉल में जाना है, और जहाँ पर भी आपने कस्टम रोम को रखा है उस लोकेशन पे जाना है। और यहाँ से आपको Realme 2.0 कस्टम वेंडर कस्टम रोम को इंस्टॉल कर लेना है, और GApps इस रोम के अंदर इंक्लूडेड है तो मुझे अब अलग से फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो रोम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। अब आपको वाइप कर लेना है, उसके बाद आपको फिर से वाइप में जाना है और यहाँ फॉर्मेट डेटा पे क्लिक करना है। और ये स्टेप यहाँ मैंडेटरी है, आपको खास ध्यान रखना है, अदरवाइज मोबाइल आपका बूट नहीं होगा। तो फॉर्मेट डेटा हो चुका है, इसके बाद आपको बैक जाना है और वाइप में एडवांस वाइप में जाना है और डाल्विक और कैश को वाइप कर देना है। तो अब आप अपने मोबाइल को रिबूट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि रोम बूट हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ बूट एनिमेशन आ चुका है। और रोम यहाँ सक्सेसफुली बूट भी हो चुकी है। तो चलिए मैं जल्दी से इसे सेटअप कर लेता हूँ। तो फाइनली यहाँ Realme UI 2.0 कस्टम मेंडेड रोम सक्सेसफुली बूटअप हो चुकी है। तो बिल्कुल आपको भी इसी तरह से स्टेप्स फॉलो करके Realme UI 2.0 कस्टम मेंडेड रोम को इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं दोबारा कहूँगा कि अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कैसे इंस्टॉल करते हैं तो आपको वीडियो केयरफुली देखनी है और सभी स्टेप्स ध्यान से फॉलो करने हैं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बाकी अगर आप स्टेप्स करेक्टली फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।